नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिटशॉट फिल्म में। कल जो हमने एक पार्ट वीडियो पार्ट बनाया था, उस पार्ट में हमने देखा कि जो शॉटिंग है वो शॉटिंग ये जो सेक्शन है हमारा, इसी सेक्शन में कहीं पे हो सकता है, ठीक है, ये हमने कल के वीडियो में देखा था। तो आज हम ये जो दो रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है, इसका आज हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, कि ये भी शॉर्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप। तो ये बहुत अच्छा सीरीज़ मैं बना रहा हूँ तो ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये शॉटिंग कहाँ पे है और कैसे है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कल देखा, जो पिछले कल वाला जो पार्ट था, उस पार्ट में हमने देखा कि ये जो दो रजिस्टर और एक कैपेसिटर, उसके बाद ये दो डायोड और ये एक डायोड, ठीक है, और इसके साथ जो कैपेसिटर है वो, ठीक है, रजिस्टर है, सॉरी, ये वाला। तो ये हम आज सब टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अब ये दो रजिस्टर है, रजिस्टर है, ठीक है। तो इन्हें टेस्ट कैसे करना है, देखिए, अभी मैंने क्या किया है, जो मैंने रेड प्रॉब जो है, जो ब्लैक प्रॉब है, मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे लगा दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने चेक करने के लिए क्या, देखिए यहाँ पे, जब मैं ये रेड प्रॉब जो है, ये ब्लैक प्रॉब यहाँ पे लगा दिया है, और ये जो ब्लैक प्रॉब रेड प्रॉब है यहाँ पे मैंने लगा दिया। देखो, ये अभी मैंने कंटिन्यूटी टेस्टिंग पे लगा दिया है, ठीक है। देखिए, अब ये जो रजिस्टर है, यहाँ पे सप्लाई ट्रैवल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रजिस्टर पे, रजिस्टर जो है, दोनों रजिस्टर, दोनों यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स है, जो इनके सिरे हैं दोनों, यहाँ पे मैं लगाता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे बजर सुनाई दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रजिस्टर है वो डेड है, शॉर्ट है, सॉरी डेड नहीं, शॉर्ट है, ठीक है। और ये कैपेसिटर, देखिए, अब ये कैपेसिटर जो होता है, इसका एक सिरा जो होता है वो ग्राउंड में होता है, इसलिए यहाँ पे एक सिरे में इसका बजर आने वाला है, बजर यहाँ पे आपको सुनाई देगा। लेकिन जो दूसरा सिरा है, यहाँ पे भी अगर आपको बजर सुनाई दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट है। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में इसका एक सिरा पे बजर आ रहा है, दूसरे सिरे पे बजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होता तो यहाँ पे भी आपको शॉर्टिंग दिखाता, ठीक है। लेकिन अब ये जो सेक्शन है, ये जो तीनों कंपोनेंट है, यहाँ पे ये सेफ है, यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं है। अभी हम टेस्ट करेंगे इन ट्रांजिस्टर्स को, ठीक है। अब ये दो ट्रांजिस्टर जो है, ये ट्रांजिस्टर हमें चेक करना है, लेकिन इससे पहले हमें देखना है कि ये ट्रांजिस्टर जो, देखिए, अब ये थ्री लेग्स ट्रांजिस्टर है दोनों, यहाँ पर भी इन्हें तीन लेग्स है, यहाँ पे भी तीन लेग्स है। देखिए, इसे चेक करने के लिए, इस ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा, और ईमीटर कौन सा है, ठीक है। तो जब तक कि आपको पता ना हो, आप कैसे उसे टेस्ट करेंगे, सही है। तो पहले इस दो ट्रांजिस्टर को हम देखते हैं और इसका पहले डायग्राम स्कीमेटिक देखते हैं और फिर इसे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसे चेक करना है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं स्कीमेटिक इसका। यहाँ स्कीमेटिक में ये दो ट्रांजिस्टर है PQ103 और इसका जो डिटेल है यहाँ पे, इसका, इस ट्रांजिस्टर का जो नंबर है वो है PDTA 144EU। ये PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसका जो है स्कीमेटिक पहले हम देखते हैं इस ट्रांजिस्टर का। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे दो डायोड यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं इसका
देखिए ये पीडीटी है 144E सीरीज का पीएनपी रजिस्टर इक्विप्ड ट्रांजिस्टर, इसे हम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स है, ये मतलब वर्क क्या करता है, इसका काम क्या है सर्किट में। बिल्ट इन अ बायस रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर में इन्होंने रजिस्टर यहाँ पे लगा मतलब इंक्लूडेड है। उसके बाद सिंप्लीफाइड सर्किट डिज़ाइन है इसका, कोई बहुत ही मुश्किल ऐसा सर्किट नहीं है इस ट्रांजिस्टर में। रिडक्शन ऑफ कंपोनेंट काउंट, और कंपोनेंट भी बहुत ही कम है इसमें। रिड्यूस पिक एंड प्लेस कॉस्ट, ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। एप्लीकेशन क्या है इसके, जनरल पर्पज स्विचिंग एंड एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पे ये स्विचिंग का और एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। सेकेंड है इन्वर्टर एंड इंटरफेस सर्किट, ठीक है, मतलब इन्वर्टर का काम करता है और सर्किट को इंटरफेसिंग का काम करता है। उसके बाद सर्किट ड्राइवर, यानी एक सर्किट ड्राइवर ड्राइविंग का भी ये काम यह ट्रांजिस्टर करता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे जो इसका वन नंबर पिन है वो इसका बेस है, सेकेंड नंबर पिन जो है वो कलेक्टर है, और थर्ड नंबर पिन जो है वो ई मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक नंबर पिन जो है वो इसका कलेक्टर है, सॉरी बेस है, एक नंबर पिन जो इसका बेस, सेकेंड जो है वो कलेक्टर, और थर्ड यहाँ पे इसका ग्राउंड किया गया है, ठीक है। तो हमें थर्ड पिन पे जो है वो ग्राउंड अब हमें मिलना चाहिए। अगर हमें एक या दो नंबर पिन पे अगर हमें कंटिन्यूटी मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट है, हम ऐसे इसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका नाम मैं आपको वापस से बोलता हूँ, पीएनपी रजिस्टर इक्विपमेंट इक्विप्ड ट्रांजिस्टर, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आपको आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऊपर की तरफ का जो इसका सिरा है वो इसका जो है कलेक्टर होता है जहाँ से आउटपुट निकलता है। उसके बाद इसका जो एक नंबर पिन जो है वो इनपुट होता है, यानी ये बेस है, और जो सेकंड नंबर पिन है वो ग्राउंड, यानी इसे ईमीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से उसका डायग्राम दिया गया, एक नंबर पिन जो है यहाँ पे ये इनपुट है, यहाँ से इनपुट होगा इस रजिस्टर के थ्रू, और जो एक नंबर से यहाँ पे इनपुट हुआ और ये जाएगा तीन नंबर पिन के लिए, यहाँ पे तीन नंबर पिन के लिए, ठीक है। और जो सेकेंड नंबर पिन है वो यहाँ पे ग्राउंड इसको कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर जो है वो काम करता है। उसके बाद है ये DDTC115EU ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये DDTC NPN प्री बायस स्मॉल सिग्नल सरफेस माउंट ट्रांजिस्टर है ये, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका पिक्चर भी दिखाया गया है, ये टॉप व्यू है, और इसे शॉर्ट 323 इसे कहा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग पार्ट नंबर से अवेलेबल होते हैं, डिपेंड करता है एक्चुअली। देखिए अभी अगर ऐसे 115 है तो 100 किलो ओम है, 144 है तो 47 किलो ओम है, 124 है तो 22 किलो ओम है, 114 है तो 10 किलो ओम है। तो इस तरह से इसका जो टाइप्स है तो उसके पार्ट नंबर के हिसाब से उसका डाइवर्जन मतलब उसका टाइप्स किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक नंबर पिन यहाँ से इनपुट होता है, लोड इनपुट होता है, और इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे थ्री नंबर पिन से आउट होता है, और सेकंड नंबर पिन के लिए यहाँ पे ग्राउंड किया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमारा जैसे जो ब्लैक प्रोब है वो तो ग्राउंड पे रहेगा, रेड प्रोब हमें यहाँ पे देखिए ग्राउंड पे यहाँ पे हमें बजर तो आएगा, लेकिन
अगर हमें बजर एक नंबर पिन या तीन नंबर पिन पे आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों रजिस्टर को सर्किट पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर अभी यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, अब ये दो वो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, दोनों का पिन आउट सेम है, तो चेक करने का जो इसका तरीका है वो भी सेम है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी पहले आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो बजर है वो काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये बजर काम कर रहा है। देखिए, अभी जो ऊपर के तरफ है यहाँ से सप्लाई आउट होती है, यहाँ से इन होता है, और ये ग्राउंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है ये एक नंबर पिन है, ये दो नंबर पिन, ये तीन नंबर पिन। ठीक है, एक, उसके बाद दो नंबर, और ये तीन नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी दोनों तरफ मुझे यहाँ पे ग्राउंड मिल रहा है, तो मैं पहले ऊपर की तरफ टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे कुछ काउंट मिल रहा है और नीचे भी कुछ काउंट मिल रहा है डिजिटल मल्टीमीटर पे, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई बजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रांजिस्टर है, ये दोनों ट्रांजिस्टर सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ।